बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो सिविल कोर्ट के रिलेटेड है, दीवानी अदालत जिसको बोलते हैं, कि दीवानी अदालत की जो जुरिसडिक्शन है वो हर तरह के मामलात में जो है ना वो इन्वोक हो सकती है, और कोई भी किसी किस्म का मैटर जिस जगह पे आपका कोई राइट अकर हो रहा है, जिस जगह पे आपका कोई हक जो है ना वो सलब हो रहा है, या किसी जगह पे आपका हक कोई निकल रहा है वो लोग दे नहीं रहे, तो उसके लिए आप सिविल कोर्ट में रिजू कर सकते हैं। जिस जगह पे किसी और अदालत की ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती वहाँ पे सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन आ जाती है। कि सिविल कोर्ट को इसलिए, अदालत दीवानी को इसलिए बल्कि अदालतों की बाकी जो अदालतें उनकी माँ कहा जाता है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज मैं थोड़ा सा वो बताना चाहता हूँ कि जो फैसलाबाद में वाक़या हुआ है, अल्लाह ताला हमको जो है ना वो माफ़ करे, और ऐसे लोगों को जो है ना जिस औरत ने वो नबूवत का नाऊज़ु बिल्लाह दावा किया है उसको अल्लाह ताला उसका बेड़ा गर्क करे, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसा मसला है जिसके ऊपर कोई मुसलमान कभी भी किसी सूरत में भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता और ना ही किया जा सकता है। लेकिन वो मैं उसकी जो वीडियो देख रहा था, जो सीपीओ फैसलाबाद था, वो बड़ा माशाल्लाह कोई नेक बंदा लग रहा था, और उसने बड़े दबंग अंदाज से जो है ना ऐलान किया है कि मैं इसको सजा दिलवाऊंगा। कानून के मुताबिक होनी चाहिए ये, तो डेफिनेटली एक जो अच्छे ममालक, अच्छी रियासतें, अच्छे शहरी होते हैं वो हर काम कानून के मुताबिक करना पसंद करते हैं। तो कानून इसमें वादे है, वीडियो उसकी मौजूद हैं, एक्सेप्ट किया है, एडमिट किया है उसने, तो उसको फौरी तौर पे जो है ना मेरी ये मजाज अथॉरिटी से जो है ना ये दरख्वास्त है और मेरा एहतजाज है कि उसको फौरी तौर पे जो है ना उसको सजा दी जाए, और उसमें ज़्यादा डिले ना किया जाए कि बैरूनी ताकतें जो है ना उसमें हायल हों, और फिर जैसे पहले भी कम्प्रोमाइज़ करने पड़े कई दफ़ा, तो इस तरीके से अल्लाह ना करे कोई इस तरीके से फिर कोई मिसहैप हो जाए, तो इसलिए उसको फौरी तौर पे जो है ना वो सजा देने का अनाउंस करना चाहिए। उसको सुबह ही उसको कोर्ट में पेश करके उसका ट्रायल शुरू करवा के स्पीडी ट्रायल में कोई 7-8 दिन के अंदर अंदर उसका जो है ना वो काम ख़त्म करना चाहिए। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि सिविल कोर्ट में जो है ना वो हर किस्म का दावा किया जा सकता है, लेकिन जो सीपीसी है ना, जो सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड है जिसके तहत सिविल अदालत काम करती है, या दूसरी अदालतें भी उसी कोड के तहत काम करती हैं। कोड का मतलब भी मैं आपको समझा दूं, ये एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर का मतलब कि तरीक़ेकार इसमें सारा बयान किया गया कि इस अदालत ने इस तरीक़ेकार से अपना काम सारा अंजाम देना है। उसमें जज के ज़िम्मेदारियाँ फ़रायद, और जज का जो है ना वो अदालत का तरीका है कि पहले वो क्लेम आएगा या दावा आएगा, उसके बाद उसके नोटिस होंगे दूसरी पार्टी को, फिर ये होगा वो होगा, इस तरीके से वो जो है ना सीपीसी को कंपाइल किया गया है, उसमें ऑर्डर्स और सेक्शंस के हिसाब से उसको बनाया गया है कि हर काम के लिए अलहदा सेक्शन, हर वर्क के लिए किस तरीके से आपने जवाब लेना है, किस तरीके से आपने दूसरी पार्टी को बुलाना है, किस तरीके से आपने ये करना है। और उसमें ही ज्यूरिसडिक्शन भी बताई गई है, उसमें ये भी बताया गया है कि कौन कौन से दावे जो है ना वो आप कर सकते हैं। तो जनरली तो हम जो है ना इसको सिविल कोर्ट को दूसरी अदालतों की जो है ना वो माँ कहते हैं, और इसमें तमाम किस्म के दावाजात जो है ना वो फाइल हो सकते हैं। लेकिन सीपीसी में कुछ चीज़ें, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि अगर आपका कोई राइट पैदा होता है तो वो आप दावा नहीं कर सकते, बल्कि और तरह की लिटिगेशन होती है। यही आज हमने जो है ना डिस्कस करना है, यही मैंने आपको जो है ना वो चीज़ बतानी है। सबसे पहले तो एक सेक्शन 11 है। सेक्शन 11 जो है ना उसको, अब वो टर्मिनोलॉजी तो मैं यहाँ यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं सिंपल लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए ये वीडियोज़ जो है ना वो शेयर करता हूँ ये, लेकिन इससे इस्तफादा तो सारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी वो स्पेसिफिकली वो वकील भाइयों के लिए होती है, इसलिए उसको मैं शेयर नहीं करता। सेक्शन 11 जो है ना वो कहता है कि आपने अगर पहले एक दावा कर लिया हुआ है उन्हीं उसी पार्टी के ख़िलाफ़,
उसी जगह की बाबत या उसी सब्जेक्ट मैटर की बाबत, कोई पैसे की बाबत, कोई चेक की बाबत, कोई किसी भी यानी कि कोई चीज़ की बाबत, घर की बाबत, कोई यानी कि आपने एक बंदे के ख़िलाफ़ एक दावा कर लिया हुआ पहले और वो मेरिट पे खारिज हो जाता है या मेरिट पे उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप यानी कि उसको वो परसू नहीं करते, तो मेरिट पे अगर खारिज हो जाता है तो फिर दोबारा उसी पार्टी के ख़िलाफ़ उसी जगह की बाबत दोबारा दावा नहीं किया जा सकता। ये इसको सेक्शन 11 बोलते हैं। इसी तरह आगे एक सेक्शन 12 आता है, 12 का सब सेक्शन 2 है, सेक्शन 12-2, ये बहुत रूटीन में बोली जाने वाली जो है टर्म है, 12-2 दरख्वास्त, 12-2 दरख्वास्त, 12-2 यानी कि अगर आप समझते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी या कोई भी शख्स समझता है कि उसकी प्रॉपर्टी या उसका कोई हक, कोई राइट उसकी बाबत किसी ने फ्रॉड करते हुए कोर्ट को कंसीलमेंट करके, कोर्ट से हकायक को छुपा कर डिग्री हासिल कर ली हुई है, तो हासिल करने के बाद आपको पता चलता है कि ये डिग्री तो फ्रॉड की बेसिस पे ली गई है, तो फिर आप उस डिग्री के ख़िलाफ़, उस बंदे के ख़िलाफ़, उस सब्जेक्ट मैटर के लिए, उस राइट के लिए आप दावा नहीं करेंगे, बल्कि आप दरख्वास्त 12-2 दायर करेंगे उसी अदालत में जिस अदालत ने डिग्री जारी की है। ये सेक्शन जो है ना, ये इस तरीके से दावा को बार करता है। इसी तरह एक सेक्शन है सेक्शन 47। सेक्शन 47 ये कहता है कि अगर कोई डिग्री हो चुकी है किसी दावा में और उसकी एग्जीक्यूशन यानी उसका इजरा चल रहा है, दौरान इजरा अगर जो फरीक हैं मौजूद हैं उनके दरमियान कोई उसी डिग्री की बाबत कोई राइट अकर होता है या कोई ऐसी चीज़ आती है कोई जिसका डिसाइड करना, कोई इशू ऐसा आ जाता है जिसका डिसाइड करना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए भी पार्टीज़ नया दावा नहीं करेंगी बल्कि उसमें ऑब्जेक्शन पटिशन फाइल करेंगी उसी डिग्री के एग्जीक्यूशन इजरा के अंदर, और उसको एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है ना, वो जो इजरा जिस अदालत में दायर हुआ है वही उसको डिसाइड करेगी। ये सेक्शन 47 कहता है, उस सूरत में भी आप दावा नहीं कर सकते। इसके अलावा आगे एक सेक्शन आता है 144। सेक्शन 144 जो मैंने पहले भी एक दो वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है कि ये कहता है कि अगर किसी बंदे ने कोई यक तरफा डिग्री हासिल कर ली है तो डिग्री पर अमल दरामद भी करवा लिया, तो अब आपने उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन मूव की, यक तरफा डिग्री ख़त्म हो गई लेकिन अमल दरामद तो हो चुका है। सपोज़ कि आपके ख़िलाफ़ कोई हिबे की डिग्री लेता है और उस पर अमल दरामद करवा के उसके अपने नाम पर इंतकाल उसका चढ़वा लेता है, अब आपने डिग्री तो सेट असाइड करवा दी लेकिन इंतकाल तो वहाँ पे मौजूद ही रहेगा ना, उस सूरत में आप उसके लिए दावा सेपरेट नहीं करेंगे बल्कि सेक्शन 144 की एप्लीकेशन मूव करेंगे और उस एप्लीकेशन में कोर्ट जो है ना वो उस इंतकाल को भी रिवर्स कर देगी अगर डिग्री रिवर्स हो चुकी है तो। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ दावा जात ऐसे हैं जो कंडीशनल होते हैं, यानी कि अगर कोई कंडीशन पूरी हो तो फिर उस सूरत में वो दावा किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे सेक्शन 83 है, जो एलियन एनिमी जो है ना उसके ख़िलाफ़ दावा करने का एक प्रोसीजर बताता है। 84 है जो फॉरेन स्टेट्स के जो डिप्लोमेट्स होते हैं, फॉरेन स्टेट्स जो होती हैं उनके अगेंस्ट अगर आपने कोई दावा करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के थ्रू उसको यानी कि उसका एक प्रोसीजर पूरा बताया गया है उसको कैसे दावा करना है। इस तरह सेक्शन 86 है जिसमें आपने कोई फॉरेन डिप्लोमेट जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो उनको अगर आपने उनके अगेंस्ट करना है, दावा करना है तो वो किस तरीके से करना है वो उसमें कंडीशन सारी बयान की गई हैं। इसी तरह सेक्शन 80 है कि अगर आपने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई दावा फाइल करना है तो वो उसमें आपने गवर्नमेंट के किस रिप्रेजेंटेटिव को, नुमाइंदे को पार्टी बनाना है और उसमें किस सेक्शन के तहत कौन सी एप्लीकेशन कहाँ मूव करनी है। इसके अलावा 91 में सेक्शन 91 है जो कि पब्लिक नोइजेंस के बाबत है, जिसके बारे में पहले भी एक वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। सेक्शन 91 में उसमें कंडीशन ये है कि आपको एडवोकेट जनरल से परमिशन लेकर जो है ना वो दावा फाइल करना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई पब्लिक चैरिटी के बारे में, सेक्शन 92 है वो पब्लिक चैरिटी के बारे में बताता है कि अगर आपने कुछ पब्लिक चैरिटी के बारे में दावा करना है तो वो भी आपने एडवोकेट जनरल की परमिशन से
या फिर कोर्ट से जो है ना वो मुकम्मल जो है ना सोसाइटी बदरिया करके उसको जो है ना उस तरीके से वो आपने दावा फाइल करना है, उसका प्रोसीजर एक डिफाइन किया गया है। इसके अलावा और दावा जहाँ जो बार किए गए हैं उसमें अगर तो दावा नामुकम्मल हो तो वो आपका दावा जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो ऑर्डर 2 रूल 2 है। इसके अलावा ऑर्डर 9 रूल 9 है कि अगर ऑलरेडी दावा एक डिक्री हो जाता है या तो उसको उसी सब्जेक्ट मैटर पे उसी उन्हीं पार्टीज के खिलाफ जो है ना वो दोबारा दावा दायर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर आपने दावा जो है ना कोई दायर किया है और दावा कंटेस्ट हो रहा है, दूसरी पार्टी आ रही है उसमें, तो आप उसको किसी स्टेज पे विदड्रा कर लेते हैं विदाउट परमिशन टू फाइल अ सूट। आप समझते हैं कि टेक्निकली कोई गलती हो गई है तो आप उसको वापस ले लेते हैं अपने दावा को, और बाद अजां आप सोचते हैं कि मैंने दावा दोबारा करना है लेकिन आपने पहले दावा की परमिशन नहीं ली, तो उस सूरत में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आप दोबारा दावा नहीं कर सकते क्योंकि दावा कंटेस्ट हो रहा है, पार्टी मौजूद है दूसरी पार्टी, तो वो उस पर एतराज़ ऑब्जेक्शन देगी कि ये दोबारा दावा नहीं कर सकता। तो ये ऑर्डर 23 रूल 1 है। इसी तरह ऑर्डर 22 रूल 9 है जिसमें जो है ना वो अगर आपका दावा एक डिसमिस हो जाता है तो फिर उसी कॉज ऑफ एक्शन पे उसी सब्जेक्ट मैटर पे आप दोबारा सूट जो है ना वो फाइल नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके से जो है ना आज का जो है ना वो मैंने बताना था आप लोगों को कि आप किस किस शक्ल में किस किस सूरत में आप दावा फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी हर तरीके से आपको अगर किसी से कोई पैसे रिकवर करने हैं वो आप सिविल कोर्ट में दावा कर सकते हैं। आपकी कोई डेफेमेशन हुई है आपके खिलाफ, कोई किसी ने कोई डेफेमेशन की है, कोई इज्जत नफ्स आपकी जो है ना वो तबाह खराब की गई है, तो उसके लिए भी आप दावा कर सकते हैं। हद के इज्जत का दावा कर सकते हैं, डैमेजेस चार्जेस के लिए दावा कर सकते हैं, पार्टनरशिप के लिए आप दावा फमीदे हिसाब किताब जो है ना वो आप फाइल कर सकते हैं। अपने स्टे ऑर्डर के लिए जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था स्टे ऑर्डर लेना है तो उसके लिए भी आप दावा फाइल कर सकते हैं। तो ये आज सिर्फ सिविल प्रोसीजर कोड के हवाले से आपको बताना था कि किस किस सेक्शन में किस किस बार है कि आप दावा फाइल नहीं कर सकते और उसके लिए अलहदा से एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और किस किस वजह से आप दावा कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।